friends, I wish you a very good day, and we are starting off with a new video where I have a very special guest with you, and the guest is none other than Mr. Shomodev Thakur, who is the owner of Discus Desire, and Discus Desire is the one of the leading portal of premium Discus in entire Bengal. So, good evening, friends. So, this is Mr. Shomodev Thakur. Good evening, Shomodev Da. Good evening. I thank you very much for inviting me to Discus Desire. So, Shomodev Da, it's very fortunate of us that we have paid. Shomodev Da, this is what I want to say. You have a specific category of customers who you cater to, a segment who you cater to. It's for all and everybody. No, देखिए अनिर्बन दा इसमें एक आप बोल सकते हैं कि कैटेगरी कुछ कस्टमर है कि इंपोर्टेड मलेशियन स्टॉक पालना पसंद करते हैं प्रीमियम स्टॉक जैसे आप ये टैंक देख रहे हैं हमारा पीछे जो टैंक है ये प्रीमियम सेगमेंट का स्टॉक है जैसे इसमें मार्क 10 मिलेगा आपको रॉबर्ट लिंग मिलेगा सब मलेशिया पिनांग से इम्पोर्टों के आते हैं और कुछ रेगुलर कस्टमर मेरे है जो रेगुलर बेस में जैसे मिड रेंज लो रेंज ये कस्टमर भी बहुत है कि वो इंडियन अच्छा क्वालिटी डिस्कस जो पालना पसंद करते हैं वो लेते हैं ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मेरा इंपोर्टेड आता है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रीमियम सेगमेंट रखता हूँ लेकिन नॉर्मल रेगुलर स्ट्रेन वो भी है सभी के लिए सब शोमोदा ये थोड़ा मतलब ये है कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे लोकल डिस्कस और जो इम्पोर्टेड डिस्कस होता है तो उसमें प्राइस का हेल एंड हेवल डिफरेंस होता है राइट तो ये थोड़ा अगर हमारे व्यूअर्स खास करके जो नया हॉबीज जो नया डिस्कस कीपर्स है वो काफी सारे थोड़ा ये में डाउट में रहता है या तो हम लोग क्वेश्चन रहता है माइंड में कि इतना डिफरेंस क्यों रनिवान दा देखिए पहले तो आप इंडियन डिस्कस जो आप लोकल बोल रहे हैं वो इंडियन डिस्कस है एक्चुअली जो हम लोग इंडिया में ब्रीड करते हैं और इंडिया में ही ये अवेलेबिलिटी है ये डिस्कस और वो डिस्कस में क्वालिटी का अंतर है और जो इंपोर्ट होके आ रहा है उसमें आपको इंपोर्ट ड्यूटी है आपका इंपोर्ट कॉस्ट है इंपोर्ट का जो फ्लाइट चार्जेस है वो सब जोड़ के जस्ट आपका प्राइस बढ़ जा रहा है और कुछ नहीं तो आप बोलने जा रहे हैं क्वालिटी में और कुछ डिफरेंस नहीं है क्या क्वालिटी में क्या डिफरेंस थोड़ा सा अगर और आप थोड़ा डिटेल में अगर थोड़ा अगर क्वालिटी में जरूर आपका डिफरेंस मिलेगा दादा क्योंकि वो प्राइसिंग में और वो ब्रांड में जो क्वालिटी वो लोग दे रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इंडिया में खराब क्वालिटी है इंडिया में भी आपको अच्छा हेल्थ अच्छा डिस्कस अच्छा हो रहा है सही तरह से ग्रूमिंग करे तो बिल्कुल हो सकता है हाँ जरूर हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है अभी वो टेक्निक वो अगर क्वालिटी दे रहे हैं तो हम लोग क्यों देना पाए है ना ये थोड़ा मतलब ये है कि जो बहुत प्रीमियम जो क्वालिटी ग्रेड्स के जो डिस्कस है शायद इवन 15,000-20,000 ईच तो आपको क्या लगता है कि कस्टमर्स को उसका वैल्यू समझ में आता है कि उसका वैल्यू सचमुच का उसका वर्थ कितना है उसको वैल्यू मिलता है वो देखिए एक्चुअली कस्टमर जो प्रीमियम सेगमेंट का कस्टमर है स्पेसिफिकली वो जानते हैं कि ये ब्रांड का है जैसे मार्क 10 हो गया रॉबर्ट लिम हो गया ट्रॉपिकाना पिनांग हो गया ठीक है तो ये ब्रांड का अगर वो डिस्कस मांग रहे हैं तो किसी के पास तो आना होगा लेने के लिए इंडिया में अवेलेबिलिटी होना होगा तो वो वैल्यू वो देते हैं उसका हेल्थ उसका पैटर्न उसका कलर कुछ अलग है तो शोमोदा ये थोड़ा एक बार हमारे सभी व्यूअर्स खास करके जो लोग नया डिस्कस कीपर्स है एकदम नया एस्पिरेंट है उन लोग के लिए डिस्कस कीपिंग डिस्कस को किस तरह से केयर किया जाता है इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज दीजिए श्योर एक्चुअली देखिए आपको पहले नया डिस्कस आप शुरू करेंगे ये सोचने का पहले आपको दो चीज पे ध्यान देना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वाटर सोर्स ठीक है सेकेंड आपका टैंक साइज ये अगर दो चीज सही होगा तो डिस्कस करना कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है वाटर सोर्स में आपको टैप वाटर अगर टैप वाटर का कंडीशन जैसे आपका टीडीएस पीएच ये सब बारे में आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है अगर ये आपका सही जाएगा तो डिस्कस एकदम इजी है तो अगर आप गाइडलाइन प्रॉपरली लेते हैं और
YouTube में आपको अभी सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये चैनल, ये वीडियो, ये शो आप देखते रहिए, तो आपको जितना से जितना डिस्कस केयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सभी का सभी आपको सोमोदा से बिल्कुल मिल जाएंगे। डिस्कस का जो मैं बोल रहा था आपको, जैसे एक नया टैंक वो 3.5 फीट अगर होगा तो आइडियल है डिस्कस कीपिंग के लिए। और जैसे डिस्कस का ये जो हाइट है, ये हाइट टैंक होने से डिस्कस को बहुत अच्छा है, बेटर होता। हाँ हाँ हाँ। जैसे फिल्टरेशन सिस्टम, अगर आपको बहुत ज्यादा पानी चेंज करने में प्रॉब्लम है तो आप कैनिस्टर फिल्टर यूज कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल आपको पॉन्स फिल्टर या तो फिर टॉप फिल्टर जो अवेलेबल है उसमें आराम से काम चलता है। लेकिन आपको वाटर का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे इसका एमोनिया का प्रॉब्लम होता है, एमोनिया अगर स्पाइक कर जाएगा तो डिस्कस के लिए बहुत प्रॉब्लम है। पानी आपको साफ रखना है, यही है। और अच्छा खाना, जो हमेशा हम लोग चाहते हैं कि एक हॉबी होगा तो अच्छा ही होगा, तो अच्छा खाना आप दीजिए, डिस्कस आपका अच्छा ही रहेगा। एंड टू एड ऑन, आई थिंक कांस्टेंट टेम्परेचर वो एक चीज होना चाहिए, दैट इज अ मस्ट। 28 डिग्री टू 29 डिग्री स्टेबल होना चाहिए। मोदा, ये थोड़ा काइंडली जो हमारे सब नया डिस्कस कीपर्स जो होंगे, एकदम नया जिनको खास एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट स्टार्ट किए हैं या तो एक्सपीरियंस भी है डिस्कस कीपिंग के, उन लोग के बारे में कुछ सजेशन अगर थोड़ा दीजिएगा कि एज टू हाउ दे वुड बी स्टार्टिंग अ टैंक, किस तरह से वो डिस्कस कीपिंग स्टार्ट करें। और डिस्कस खरीदने के पहले आपको डिस्कस का जो शेप, कलर, उसका बॉडी हेल्थ, जो हेल्थ फोरेड है वो आपको देखना चाहिए, और डिस्कस का मेनली एक्टिविटी देखना चाहिए, वो आप कहीं से भी खरीदे। जैसे डिस्कस ऐसे हाथ अगर मैं लाता हूँ तो डिस्कस आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए, ये है एकदम फिट डिस्कस का आपका एग्जांपल। तो ये आपको बराबर होना चाहिए, ये मच्छी डर के पीछे चला जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो कहीं पे छुप के एकदम बैठा है कोने में, दैट मींस देयर इज समथिंग इज रॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर डिस्कस। मेरे ख्याल से आप जो कहना चाहे कि वो डिस्कस का सिलेक्शन खरीदने के समय, दैट इज आल्सो वेरी वाइटल, जो सोमोदा ने बहुत बढ़िया तरह से आप लोगों को समझा दिया। उसका गिल्स ठीक से देख लीजिए ताकि वो प्रॉपर हो और वो हेल्दी हो। नया डिस्कस एस्पिरेंट्स का एक डर होता है जो हमारे जमाने में भी बहुत था कि डिस्कस हम लोग रख ही नहीं पाएंगे, एकदम इम्पॉसिबल है। तो ये आप कहाँ तक इस ये मानते हो और ये सोच लेके थोड़ा भाई का नजर थोड़ा डालो। नहीं, एक्चुअली देखिए, ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अगर आप डिस्कस को सही पानी दे रहे हैं, सही खाना प्रोवाइड करते हैं, सही आपका वाटर कंडीशन है, टैंक साइज सही है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। उसका टेम्परेचर आप कॉन्स्टेंट रखिए, ठीक है, खाना अच्छा दीजिए, तो डिस्कस कीपिंग ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा सोमोदा, एज वी ऑल नो कि डिस्कस इज वेरी प्रोन टू अपना इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, उसका बहुत सारा खाने का पेट का प्रॉब्लम होता है, सो नेचुरली उसका फीडिंग खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें अगर थोड़ा आप थोड़ा डिटेल थोड़ा बताइएगा एज टू कौन सा खाना डिस्कस को एक्चुअली खाना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी यूजफुल फॉर देम, और कौन सा खाना अवॉइड करना चाहिए। देखिए अनिर्बंध, जो है ये डिस्कस का खाना का जो आपका रूटीन है, ये बहुत सारे हॉबीस्ट हम लोगों के पास आते हैं, बोलते हैं भाई बार बार वाटर चेंजेस नहीं कर सकते, तो वो हॉबीस्ट के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ड्राई बेस्ड फूड, जैसे ट्रॉपिकल D50 एक अच्छा ब्रांड है, सेरा डिस्कस ब्रांड में, ओके, ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स, ये आप ड्राई बेस्ड खिला सकते हैं। लेकिन डिस्कस को एक्चुअली क्या है ना, एनिमल हार्ट मिक्स जो होता है, जो गोट हार्ट मिक्स हम लोग प्रोसेस करके बना के देते हैं, वो देने के लिए बहुत अच्छा है, वो अच्छा चीज है एज पर हेल्थ कलर, उसका आपका बॉडी शेप जो है उसमें मेंटेन रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो कंटिन्यू देना है, आप अल्टरनेटिव वे में दे सकते हैं, जैसे कि आप सुबह में अगर GHM फिट कर रहे हैं, GHM फिट करने के बाद आप पानी चेंज कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद आप दोपहर को ड्राई फीड दीजिए, रात को एक ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म का क्यूब दीजिए, ऐसे अल्टरनेटिव वे से आप डिस्कस आराम से रख सकते हैं। सिर्फ एक चीज मैं जस्ट नोट और क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अगर हम लोग वो
गोठाट या बीफाट मिक्स अगर खिलाए इन दैट केस इफ नॉट उस दिन मैक्सिमम नेक्स्ट डे हम लोग को पानी चेंज करना चाहिए। नहीं एक्चुअली अगर आप हार्ट मिक्स खिलाते हैं तो आपको पानी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो हार्ट का जो पार्टिकल्स है वो पूरा फैल जाएगा और एमोनिया स्पाइक करेगा। एक दिन में अगर वाटर चेंज नहीं करे तो फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ सकते हैं जो एक बार मेरा टैंक मैंने भी भुगता था। अच्छा और फिर कौन सा खाना अवॉइड करना चाहिए? जो ट्यूबीफ्लेक्स वर्म्स आता है लाइव फीड वो अवॉइड करना चाहिए। लाइव फीड में अगर आप देखें तो जो आर्टिमिया है फ्रोजन आर्टिमिया वो आप दे सकते हैं। वो अगर हॉट वाटर का सोर्स से आ रहा है तो उसमें कोई आपको पैरासाइट प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्यूबीफ्लेक्स वर्म्स एकदम मत दीजिए क्योंकि वो लोकली नाली में होता है सबको ही मालूम है। ब्लड वर्म्स अवॉइड कीजिए वो इसका प्रॉब्लम हो सकता है। आप इंक्लूडिंग फ्रोजन ब्लड वर्म भी बोल रहे हो? फ्रोजन फ्रीज ड्राइड अवॉइड करें तो लेकिन ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स आप फिट कर सकते हैं उसके लिए वो हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और कॉस्टली भी है और डिस्कस का हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जो मिथ जो है बिलीफ जो है कि दैट इज ब्लैक बैकग्राउंड में रखेंगे तो डिस्कस का पेपर ही होगा पर मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल कुछ नहीं है। विद इम्पोर्टेड ग्रेट क्वालिटी कुछ कुछ स्ट्रेन्स का शायद आपका चेकर बोर्ड एंड पिजन कुछ ये का आपका ये पेपरिंग होता है पर डिस्कस का क्वालिटी वैसा हो तो कुछ ब्लैक बैकग्राउंड में भी पेपरिंग नहीं होता। देखिए मेरा डिस्कस टैंक्स आपको दिखाता हूं जिसमें आपका डीप कलर या तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड और ब्लैक कलर का सबस्ट्रेट है पर किसी में भी कुछ भी पेपरिंग नहीं है। एज पर माय नॉलेज अनिल वंदना देखिए अगर डिस्कस आप रखते हैं तो वाइट बैकग्राउंड हम लोग प्रेफर करते हैं वो स्ट्रेस फ्री रहता है एकदम ओके प्लेफुल कंडीशन में रहता है और उनके लिए मैं बोलूंगा कि पीजीएन ब्लड लाइन का जो है जैसे मेलन हो गया चेकरबोर्ड हो गया पीजीएन मैप हो गया ये अगर स्ट्रेन्स आप अवॉइड करते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं वो ब्लैक बैकग्राउंड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शोमोदा आप जैसे बतला आए हो कि आपका डिस्कस पूरा टैंक्स आपका डिस्कस का सेटअप आपका पूरा आरओ वाटर में आपका चलता है तो इन दैट केस आपसे जो हॉबीज आपसे जो डिस्कस खरीद के लेके जाएंगे तो इफ आई एज्यूम अगर मैं पकड़ लेता हूँ कि वो अपने घर में सिर्फ टैप वाटर में ही रखेंगे तो उसमें क्या इन दैट केस वो सेम क्वालिटी सेम कलर क्या वो अपना टैप वाटर में वो मेंटेन होगा? हाँ डेफिनेटली अली बंदा एक्चुअली जो डिस्कस है जो क्वालिटी है वो कलर चेंज नहीं होगा जैसे पैटर्न कलर उसका कोई इशू नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि डिस्कस अच्छा रहे मैं चाहता हूँ बेसिकली कि मेरा मच्छी अच्छा रहे अच्छा कंडीशन में रहे ताकि एक कस्टमर या कोई क्लाइंट के पास जाके वो डिस्कस एज सेम कंडीशन रहे। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो 20 लीटर का आरओ का कैन आता है नॉर्मली लोकल वाला तो वो अगर कर सकते हैं सेटअप तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी हो सकता है बाजार में बहुत सारा कंडीशनर है वाटर कंडीशनर है जैसे आपका सीचेम का पीएच बफर है वो पीएच थोड़ा लो कर सकते हैं उसी हिसाब से 19-20 करके रख सकते हैं लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि जाके डिस्कस कोना पकड़ लेगा डिस्कस का कलर चला जाएगा डिस्कस का फिन क्रम्प हो जाएगा ऐसा कोई इशू नहीं होगा वो हमारे तरफ से गारंटी है। तो आप ये नहीं कहना चाह रहे कि वो सेम टू सेम जब रहेंगे तो ये थोड़ा हम लोग को थोड़ा बताइएगा फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड समझने के लिए कि एज टू फिल आपका टैप वाटर के अनुसार उसके अगेंस्ट में आपका जो आरओ वाटर उसमें रखने का फायदा क्या है एडवांटेज क्या है? एक्चुअली देखिए आरओ वाटर में डिस्कस अपना कलरफुल शो करते हैं ओके 100% जो एकदम आइडियल कंडीशन में रहता है वो आरओ वाटर में ही रहता है और जो ब्रीडिंग एटीट्यूड करता है ना वो आरओ वाटर में ही करता है। तो अगर कोई डिस्कस कीपर चाहते हैं कि मैं डिस्कस को अच्छा रखूं अच्छा कंडीशन में रखूं तो उसको नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल है लोकल मार्केट में अवेलेबल है पानी उससे रख सकते हैं या तो फिर कोई कोई जगह ऐसा है कि बहुत टीडीएस हाई है उसमें डिस्कस को बहुत स्ट्रेस होता है तो वो टीडीएस लो करने के लिए आपको उसमें आरओ वाटर मिक्स करना पड़ेगा जैसे 50-50 कर लीजिए
ठीक है, वाटर रेडी कीजिए, फिर डिस्कस आप उसमें इंट्रोड्यूस कीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शोमोदा, एज वी ऑल कैन सी कि अभी जैसा नॉट ओनली इन कैलकटा, मोर ऑर लेस हर स्टेट में इंडिया में अभी विंटर जस्ट इज फॉलिंग, सो ये कमिंग विंटर्स में आई नो इट्स अ चैलेंज डिस्कस को मेंटेन करना, उसका पानी टेम्परेचर जो मेंटेन करना, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ चैलेंज। तो अब जो नया जो हॉबीज जो है, नया डिस्कस हॉबीज जो है, उनके लिए थोड़ा टिप्स आप क्या दीजिए? श्योर, देखिए दादा, कोलकाता में ठंडा बहुत है, ठीक है, जैसे आप बाहर का स्टेट में देख सकते हैं ज्यादा ठंडा नहीं है, कोलकाता में फ्लक्चुएशन बहुत होता है। जैसे टेम्परेचर अगर आप मेंटेन कर रहे हैं 29 डिग्री बहुत विंटर में, तो वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आपको ज्यादा होना नहीं चाहिए, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइव फीड जो है वो थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। विंटर में फिश का एपेटाइट जो है वो थोड़ा डाउन रहता है, तो उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, 29 डिग्री टू 30 डिग्री आपको टेम्परेचर देना पड़ता है। आपको ड्राई बेस खाना देना होगा और टैंक्स में मार्किंग करके आपको पानी चेंज करना पड़ेगा। जैसे है आप 100% टैंक अगर पानी चेंज कर दिए उस समय, तो आपको टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के लिए प्रॉब्लम होगा ही होगा, हाँ वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो टैंक मार्किंग कीजिए, आप दिन में 2 बार साइफून कर दीजिए, आपका 25% 30% कीजिए, तो उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1-2 डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर वो फ्लक्चुएशन आपका 4-5 डिग्री हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। आपका इंटर डिस्कस का जर्नी और आपका डिस्कस डिजायर का जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बोलिए। श्योर अनिर्बंधा, पहले तो मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप आए हैं इतना दूर से, ठीक है। देखिए एक्चुअली डिस्कस जो है ये बहुत खूबसूरत चीज है, ये अगर आप दिल से चाहते हैं तो आप ये हॉबी को आगे ले जा सकते हैं। मेरा सबसे फेवरेट मच्छी है, ठीक है, मेरा भी इनफैक्ट, थैंक यू। सो ये जर्नी आज से तो स्टार्ट नहीं हुआ एक्चुअली, जब मैं, मेरा याद होगा शायद क्लास 5 और 6 करीब मैं डिस्कस पालना स्टार्ट किया था, तब उस समय टर्कोइज, ब्लू डायमंड ये सब वैरायटी अवेलेबल था, ज्यादा कुछ नहीं अवेलेबल था उस समय, लेकिन जो जर्नी स्टार्ट हुआ अच्छा ही हुआ, और धीरे धीरे करके वो जो नशा है डिस्कस का ऊपर, जो पैशन है डिस्कस एक नशा है, exactly. आप तो माइंड मानना ही पड़ेगा, हाँ, जो कि मैं भी है, कुछ 15 साल के ऊपर मैं डिस्कस कीपिंग में हूँ, हाँ, तो मैं भी छोड़ नहीं पा, राइट, जो नशा है वो धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है, आज एक हॉबीस्ट अभी भी हूँ, एज सेलर वो अलग बात है, लेकिन हॉबी होते 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 आफ्टर ऑल मैं सेल्स पे आ गया, यही है। शोमोदा, ये सारा बोलिएगा कि आपका फिर एस्पिरेशन, आपका ड्रीम क्या है, अभी से आपको 5 साल बाद आप खुद को आप कहाँ पे देखें? डिस्कस जो पैशन है मेरा, एक्चुअली इसको ब्रीड, जो ब्रीडिंग पार्ट है इसको जस्ट मैं स्टार्ट किया हूँ, ओके, वो वीडियो मैं आपका दूसरा पार्ट में जरूर आपको दिखाऊंगा, वो एक अलग सेक्शन मेरा चालू हो रहा है रिसेंटली। नया नया कस्टमर जो आ रहे है वो डिस्कस करना चाह रहे है, ठीक है, डिस्कस का हॉबी का ऊपर उनका शौक बढ़ रहा है, ये एक सेगमेंट हम चाह रहे हैं कि इंडिया में और स्ट्रॉन्ग हो, कि आगे ये हॉबी को लेके हम लोग और जा पाए। और एज अ ब्रीडर के हिसाब से भी आप कुछ और फ्यूचर प्लान्स हैं? एक्चुअली देखिए बहुत सारे जगह से डिस्कस इंपोर्ट हो रहा है, ऐसा हम लोगों को बनना है एज इंडियन कि हम लोग यहाँ पे ब्रीड करके उसको एक्सपोर्ट करें, जिस दिन ये होगा तो इंडिया का नाम होगा, वाई नॉट, वाई नॉट। अच्छा, तो शोमोदा, जो हमारे जो इतने डिस्कस चाहने वाले हैं और आप भी जो इतने इंडियन डिस्कस से लेके एकदम इतना चार एकदम फॉर्मड इम्पोर्टेड टॉप वर्ल्ड के टॉप ब्रीडर्स के डिस्कस जो आप इम्पोर्ट करते हो और हमारे जो इतने सब चाहने वाले हैं, तो वो आपको किस तरह से कॉन्टेक्ट करें? देखिए आपका चैनल में मेरा नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी, मेरा फेसबुक का जो ऑफिशियल लिंक है डिस्कस डिजायर, वो लिंक आपको हम शेयर कर रहे हैं, उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल भी मैं दे दूंगा आपको, वो ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर सेम नंबर, कॉलिंग नंबर जो है सेम है, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शोमोदा फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।
थैंक यू व्यूअर्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, नाउ आई वाइंड अप दिस पर्टिकुलर एपिसोड विद अ वोट ऑफ थैंक्स टू शोमोदा एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी डिस्कस कीपिंग।